आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अयोध्या में रामलला विराजने जा रहे हैं, पूरा देश राममय ही नजर आ रहा है। शिव की नगरी सिवनी राममय हो चुकी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में लोग सड़कों पर हैं, भगवा ध्वज लहरा रहे हैं, उत्साह देखते ही बन रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। रविवार 21 जनवरी 2023 का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। किस तादाद में यहाँ वाहन रैली में युवा वर्ग शामिल है, हर आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं, बच्चे, बुजुर्ग, अधेड़, युवा, सभी यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे सर पर पगड़ी धारण किए हुए। इनका अलग ही अंदाज, अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। वास्तव में लगभग एक सप्ताह से शिव की नगरी सिवनी में धर्ममय वातावरण बना हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर ये वाहन रैली गुजर रही है और देखिए कितनी लंबी वाहन रैली यहाँ दिखाई दे रही है। स्वप्रेरणा से सभी इस रैली में शामिल हो रहे हैं, भगवा ध्वज लहराते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। 22 जनवरी का इंतजार सभी को है। 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन होगा। लगभग 500 सालों के बाद विवाद का पटाक्षेप होगा। सोशल मीडिया पट चुका है अयोध्या में रामलला के विराजने को लेकर। वास्तव में बहुत मनमोहक नजारा और एक धर्ममय वातावरण यहां पर दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। लोग ये कहते हुए दिख रहे हैं कि पहला रविवार होगा, इसके पहले हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। देखिए एक मराही माता में कपीश्वर हनुमान मंदिर स्थित, ये देखिए एक भगवान राम जहाँ विराजेंगे उसकी प्रतिकृति छोटे छोटे बच्चों के द्वारा तैयार की गई है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर नज़ारा है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो 1270 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मराही माता मंदिर के प्रांगण में कपीश्वर हनुमान मंदिर में ये प्रतिकृति रखी हुई है। इसमें छोटे से भगवान श्री राम को भी विराजित किया गया है, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा इसे किया गया है। ये पूरा प्रयास छोटे छोटे बच्चों का है और लोगों के द्वारा इसे सराहा जा रहा है। हम आपको बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर ये बात बहुत जोर शोर से चल रही है कि पहला ऐसा रविवार होगा। वैसे रविवार के बाद सोमवार लोग चाहते हैं, कामकाजी लोग चाहते हैं रविवार का अवकाश होता है। देखिए बाहुबली नजारा, चौक का नज़ारा हम दिखा रहे हैं, कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा दृश्य दिखाई दे रहा है। अमूमन लोग रविवार को यही चाहते हैं कि सोमवार ना आए। दरअसल रविवार का दिन ऐसा होता है जब आराम का दिन होता है और सोमवार से एक बार फिर कामकाज में लोगों को जुटना होता है। दोनों तरफ यातायात रुका हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। लोग पहली बार रविवार के उपरांत सोमवार आने का इंतजार कर रहे हैं, इस तरीके के कमेंट भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर दिख रहे होंगे। और जो हमने आपको शुरुआत में आपने देखा होगा 22-1-2022, इसको भी लोगों की जो ये कहा जाए कि एक क्रिएटिविटी के द्वारा, उनके द्वारा जो बनाया गया है 22-1-24 जिस तरीके से लिया गया है उसे देखकर यही प्रतीत हो रहा है ये राम लिखा हुआ हो। धर्ममय वातावरण पूरे सिवनी में बना हुआ दिख रहा है, शिव की नगरी सिवनी। सिवनी में मुख्य रूप से दो राम मंदिर हैं, एक राम मंदिर शुक्रवारी बाजार शुक्रवारी में स्थित है, दूसरा राम मंदिर कलबोड़ी में स्थित है। दोनों राम मंदिर सजे हुए हैं, दोनों राम मंदिर में बहुत तरह तरह के ध्वजों से इन्हें सजाया गया है, बहुत प्रकाश की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जितने भी हनुमान मंदिर हैं वे भी पूरी तरह सजे नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए ऊपर से आपको हम दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पर लोग रैली में शामिल हुए हैं, सभी को इंतजार है।
सोमवार 22 जनवरी 2024 का जिस दिन अयोध्या में रामलला विराजेंगे, भगवान राम की प्रतिमा किस तरह की होगी, ये इस बारे में भी सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह के फोटो चल रहे हैं उसको लेकर भी लोग यही लिख रहे हैं कि ये जो भी चर्चाएं या जो भी फोटो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार किया जाए। इंतजार के उपरांत आप देखेंगे कि वास्तव में रामलला की प्रतिमा किस तरह की है। भीड़ देखते ही बन रही है धर्मावलंबियों की, श्रद्धालुओं की। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हम आपको लगातार ही शहर के अपडेट्स देने का प्रयास करते आए हैं। आने वाले समय में भी हमारा प्रयास होगा कि हम आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को आपके सामने रखें और जो है जैसा है उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के आपके सामने उसे प्रस्तुत करें। सोमवार को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का प्रयास होगा कि जो भी कार्यक्रम सोमवार का है वो आपको लाइव दिखाया जाए। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चैनल पर जाकर आप लाइव सेक्शन में इसे देख सकते हैं। दो या तीन कार्यक्रम सुबह लगभग 6 बजे से ये कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम आपको सुबह 6 बजे से इसे लाइव दिखाएं। ये आपको दिखा रहे हैं बारापत्र का नज़ारा, यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ रैली जा रही है। रैली में भगवा ध्वज लहरा रहे हैं, भगवा ध्वज आपको दिखाई दे रहे होंगे और कितनी बड़ी रैली यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। 21 जनवरी रविवार का ही हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, बारापत्र का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको शहर का नज़ारा दिखाया था। धर्ममय हो चुकी है शिव की नगरी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।